कौन है हेमा मीणा, जिसके घर से मिली अकूत संपत्ति, जाने लोकायुक्त की रेड में क्या मिला। मध्य प्रदेश की संविदा पर नौकरी करने वाली सहायक इंजीनियर हेमा मीणा एकाएक सुर्खियों में आ गई हैं। कारण है लोकायुक्त पुलिस विभाग द्वारा उनके घर की गई रेड। लेकिन इस रेड के बाद जो खुलासे हुए उसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल महज 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह पाने वाली मीणा के घर से जो जो सामान बरामद हुआ उसके बारे में सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। दरअसल कॉरपोरेशन में प्रभारी सहायक इंजीनियर यानी संविदा पर काम करने वाली हेमा मीणा के बिलखिरिया स्थित घर से बेशुमार संपत्ति मिली है, जिसमें महंगी गाड़ी, टीवी और विदेशी कुत्ते तक शामिल है। खास बात यह है कि यहाँ मिली सिर्फ एक टीवी की कीमत 30,00,000 रुपए है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीणा के पास कितनी संपत्ति हो सकती है। एक संविदा पर काम करने वाले किसी शख्स के पास इतनी संपत्ति का होना कहीं ना कहीं जरूर चौंकाता है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक संविदा पर नौकरी करने वाली सहायक इंजीनियर हेमा मीणा का मासिक वेतन 30,000 रुपए है, लेकिन उसने 13 साल की नौकरी में आय से 232% अधिक संपत्ति अर्जित कर ली। वेतन के हिसाब से हेमा की संपत्ति से ज्यादा 18,00,000 रुपए होनी चाहिए थी। आपको बता दें कि असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा अपने पिता के नाम 20,000 वर्ग फीट जमीन पर बने 40 कमरों के बंगले में रहती हैं। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। इसके अलावा उनके फार्म हाउस से 50 से ज्यादा विदेशी नस्ल के कुत्ते मिले हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। लगभग 60-70 अलग अलग ब्रीड की गायें भी मिली हैं। खास बात यह है कि 20,000 वर्ग फीट में पहले परिसर में मौजूद दर्जनों कर्मचारियों से बात करने के लिए हेमा मीणा वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करती थी। यही नहीं, लोकायुक्त पुलिस के छापे में संविदा इंजीनियर के बंगले से रोटी बनाने की मशीन भी मिली है। लगभग 2,50,000 रुपए की इस मशीन का इस्तेमाल कुत्तों के लिए रोटी बनाने में होता था। इतना ही नहीं, हेमा मीणा के बंगले में लग्जरी आइटम्स की भरमार थी। महीने के 30,000 वेतन पाने वाली संविदा सहायक इंजीनियर के कमरे से 30,00,000 रुपए का टीवी सेट बरामद हुआ है। हालांकि फिलहाल ये टीवी सेट का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था, बॉक्स में पैक ही मिला। साथ ही 2 ट्रक, 1 टैंकर और महिंद्रा थार समेत 10 महंगी गाड़ियां भी इंजीनियर के बंगले से मिली। गौर हो कि लोकायुक्त पुलिस के 50 लोगों की टीम हेमा मीणा के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो बंगले पर तैनात गार्ड्स ने रोक टोक की। तब सिविल ड्रेस में पहुंचे टीम के सदस्यों ने खुद को पशुपालन विभाग का अधिकारी बताया। साथ ही बंगले में लगे सोलर पैनल के चेक करने का बहाना बनाकर अंदर घुसे। इसके बाद अंदर मौजूद हेमा मीणा को एक कमरे में बिठाकर उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। पति से तलाक ले चुकी हेमा मीणा रायसेन जिले के चपना गांव की रहने वाली हैं। 2011 में उनकी संविदा पर नौकरी लगी थी। फिलहाल वो मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। लोकायुक्त डीएसपी संजय शुक्ला के अनुसार पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ साल 2020 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत आई थी। इस मामले में विशेष पुलिस स्थापना भोपाल संभाग ने जांच शुरू की। अब छापे की कार्रवाई की गई है। इस मामले में अन्य अधिकारियों की संलिप्तता होने की भी संभावना है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।